आशियाना हाउसिंग स्कीम बरके रोड करप्शन स्कैंडल, कासा कंपनी कैसे बनी और क्या कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की गयी। लाहौर न्यूज मजीद हकाइक सामने ले आया। बेड में हिस्सा लेने वाली कंपनी को निकाल कर चाइनीज कंपनी को शामिल कर दिया गया। ज्वाइंट वेंचर के तौर पर तीन कंपनीज पर मुश्तमिल कासा कंपनी की बुनियाद रखी गयी। शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया जाएगा। नैब 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ और हाफिज असदुल्ला केस पर समाप्त करेंगे। आशियाना स्कैंडल में आह चीमा फवाद हसन फवाद, शाहिद शफीक इम्तियाज बिलाल पहले गिरफ्तार हैं। इसरार सईद और आरिफ बट जमानत पर रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासत की तबाही और मुल्क के लिए बदकिस्मती है। दूध का दूध और पानी का पानी सबको नजर आ जाएगा। चोर आजाद हैं, कौम की खिदमत करने वालों को सजा दी जा रही है। साबिक वजीर आजम शाहिर हका नवासी की इंतकामी मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग स्कीम के नाम पर गरीब लोगों से फ्रॉड किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सबूत है मुल्क में कानून का बोलबाला है। करप्शन के खात्मे के लिए ऐसे इकदाम बहुत जरूरी हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात जारी। नैप ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। ख्वाजा बरादरान को मनी ट्रेल भी साथ लाने की हिदायत। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने नैप को अपना मुकम्मल रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। जर्राए नैब ऑफिस के बाहर MNM मोटरसाइकिल स्कैंडल के मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा। चेयरमैन नैब से इंसाफ की अपील। प्ली बार्गेन करके मुलजिमों को छोड़ा जा रहा है। मुजाहरीन का इल्जाम नैब ने अरबों रुपए की रिकवरी की, मुतासरीन को ताहाल रकम नहीं मिली। मुजाहरीन की दहाई। वासा में बड़े पैमाने पर तकरूर तबादले। XCN इकबाल टाउन अस्कर अली को XCN शालीमार टाउन तायुनात कर दिया गया। अब्दुल लतीफ को इकबाल टाउन लगा दिया गया। इंजीनियर मोहम्मद वकार को सीनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का इजाफी जांच दे दिया गया। MD वासा सैयद जाहिर अजीज के अहकाम पर नोटिफिकेशन जारी। और मारूफ भारतीय सहाफी कुलदीप नैयर की आखिरी रसूमात बाकायदा दरियाए रावी में बहा दी गई। कुलदीप नैयर की पोती मिंद्रा नैयर और उनके शौहर एतजाज एहसन समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत।